हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विजय ठाकुर और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी लड़कों की रिक्वेस्ट पर बना है, क्योंकि काफ़ी बच्चों की ये शिकायत थी कि सर शरीर में कमजोरी बहुत है, हम ज़्यादा दुबले पतले हैं, वेट गेन नहीं होता है, दांत गिरती रहती है, वीर्य पतला है और जो वीर्य बनता है शरीर में वो भी निकल जाता है, यानी स्वप्न दोष की प्रॉब्लम है। तो इन सारी समस्याओं से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो फाइनली दोस्तों आज इन सब चीज़ों का सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 योगा एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अगर आप 15 मिनट भी रोजाना नियम से कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको ईमानदारी से और रोजाना नियम से इन तीनों योग एक्सरसाइजों को करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन सी योग एक्सरसाइज हैं जो आपकी इन सारी समस्याओं का निवारण करेंगी। तो दोस्तों, हमारी जो पहली योग एक्सरसाइज है वो है पवन मुक्तासन। इस एक्सरसाइज की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मैं आपको बता दूं कि 100 बीमारियों का एक इलाज है। बाहर से बॉडी को फिट रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं मसल्स फुलाने के लिए, लेकिन अंदर जो हमारे ऑर्गन हैं उनको हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, योग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपका वेट गेन नहीं होता है, पाचन तंत्र कमजोर है, भूख नहीं लगती है, धात गिरती है, आपके पेट में गैस बनती है, तो पवन मुक्ता आसन आपके लिए एक रामबाण औषधि है। इसको जरूर करना, रोज 5 मिनट कर लेना सुबह। तो कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। हम लेट गए सीधा और इस पोजीशन में हमें आना है और ये इधर से पकड़ लेना है, ये पैरों को कस के, और थोड़ा सांस भरते हुए हमें ऊपर को जाना है जी। थोड़ी देर तक ऐसे होल्ड करना है, फिर वापस चले जाना है इस तरीके से। फिर आपको दोबारा से इसी पोजीशन में आना है सांस भरते हुए। फिर वापस जाना है सांस छोड़ते हुए इस तरीके से। पवन मुक्ता आसन 100 बीमारियों का एक इलाज, फिर देख लो दोबारा से। तो दोस्तों, ये था पवन मुक्तासन। बहुत आसान एक्सरसाइज है, अगर आप करेंगे तो आपसे हो जाएगी, छोटा बच्चा भी आराम से कर सकता है। तो ये एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है। दोस्तों, हमारी जो दूसरी योग एक्सरसाइज है वो है कंधारासन। कंधारासन से हमारे टेस्टिकल मजबूत होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हमारे टेस्टिकल कमजोर होते हैं तब हमारे शरीर में वीर्य पतला बनता है, वीर्य गाढ़ा नहीं बनता है और कम वीर्य बनता है। तो अगर आपको अपनी टेस्टिकल को मजबूत करना है, वीर्य को गाढ़ा करना है, पतले वीर्य से बचना है, धात की समस्या तभी होती है जब वीर्य पतला होता है, तभी धात गिरती है, तभी स्वप्न दोष होता है। तो टेस्टिकल को मजबूत करने के लिए कंधारासन सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, और भी बहुत सारे फायदे हैं कंधारासन के। तो बहुत अच्छा योग आसन है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको आप 5 मिनट 10 मिनट रोज करें। किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। पोजीशन देख लो, कोई भी एक्सरसाइज हमें गलत नहीं करनी है, चाहे कोई सी भी एक्सरसाइज हो गलत नहीं करनी है। तो सबसे पहले इस तरीके से हम लेट जाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे सीधा, ये देख सकते हो आप, ये जितना आप ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद सांस छोड़ते हुए इसी तरीके से हमें धीरे धीरे नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है सांस भरते हुए। यहाँ पे हमें थोड़ा होल्ड करना है, जितना आप होल्ड कर सकते हो, ये खींचा हुआ रहा है। फिर आपको इसी तरीके से नीचे जाना है, यहाँ पे होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और देख लो,
जी, फिर नीचे। तो ये था कंधारासन। अब मैं आपको तीसरी एक्सरसाइज भी बता देता हूँ। तो तीसरी एक्सरसाइज है भुजंगासन। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, जिनके पेट पर चर्बी ज़्यादा है, और भी बहुत सारी समस्याओं का इलाज है भुजंगासन। तो भुजंगासन को भी आप ज़रूर करें। कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जिनकी गर्दन में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरीके से, और हाथ हमारे ऐसे रहेंगे शोल्डर के करीबन, और फिर हमें सांस भरते हुए ऊपर आना है। ये सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर जाना है। इसी तरीके से यहां पे होल्ड रखना है, फिर नीचे ऊपर आपको होल्ड करना है, सांस भरते हुए ऊपर जाना है, ठीक है, और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। ये तो तीन सबसे बेहतरीन योग एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी। 100 रोगों का इलाज है ये। 15-20 मिनट रोज करें, जिम जाते हैं तब भी करें, मैं रोज करता हूं। तो ये एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है। अगर आपको हमेशा स्वस्थ रहना है, लंबे समय तक जीना है, अच्छी हेल्दी बॉडी चाहिए। भारी बाहर से हेल्दी नहीं होनी चाहिए, अंदर से भी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, तब जाके अच्छा लगता है, मजा आता है। तो ये तीनों एक्सरसाइज आप सुबह के टाइम में किसी भी समय आप 15 मिनट तक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह के यूजफुल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और 1000 सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।